नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iPhone 14 Pro में iOS 17 का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। ये सभी के लिए आ चुका है, iPhone यूजर जितने भी हैं सभी के लिए आ चुका है। यहाँ पे मैं जो 14 Pro इसमें आपको दिखा रहा है कि क्या क्या अपडेट हुए हैं। वैसे तो काफी सारे अपडेट्स हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सब सारी चीज हटा देते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है और इसमें काफी अच्छी अच्छी यहाँ पे अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है जनरल, जनरल पे आप क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। और नीचे आप देख सकते हैं अपग्रेड टू iOS 17, इस पे आप टाइप करेंगे। इसके पहले मेरा जो की है वो यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 16.6.1 था, लेकिन अभी आप 17 में अपडेट करेंगे। और इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं वो सारी चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं क्या क्या अपडेट हुए हैं, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं जो सबसे मेन अपडेट हुआ है, जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी कि जो कॉन्टेक्ट थे, अगर आप देखेंगे फोन में जाते हैं और जो कॉन्टेक्ट होता है, लास्ट कॉल हिस्ट्री होती है, वो बहुत कम होता है। अभी देख सकते हैं मैंने अपडेट नहीं किया है, बस इसके बाद खत्म हो गया है। ये 2 महीने पहले की या फिर 100 कॉन्टेक्ट के बाद दिखाता नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो कि नया अपडेट आ गया है, अभी मैं अपडेट करके भी दिखाऊंगा आपको कि आप देखेंगे जो कॉन्टेक्ट होगा, हिस्ट्री होगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो कंपनी ने बताया था कि जो पोस्टर है वो आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट को पोस्टर लगा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे दी गई है। उसका जो मैसेजेस है इसमें काफी सारे अपडेट्स किए गए हैं। यहाँ पे ऑडियो मैसेज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और भी काफी सारे यहाँ पे अपडेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो फेस टाइम है इसमें भी काफी सारे अपडेट्स किए गए हैं। जब फेस टाइम पे आप बात करते हैं तो इसमें आपको अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसे करते हैं, जैसे कि अगर आप थंब देते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन थंब का बन जाएगा ऑटोमेटिक, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हर्ट बनाते हैं तो हर्ट का वहाँ पर रिएक्शन चला जाएगा। तो ये फेस टाइम में ये सारी चीज अपडेट की गई है। स्टैंड बाय में यानी कि आपका जो ये स्मार्टफोन है, अगर आप अपने मैक्सिप में स्टैंड मोड पर रखे हुए हैं या फिर जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ऐसे करके चार्जिंग लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि क्लॉक आ जाएगा। वो सारे फीचर्स इसमें नया ऐड किया गया है, इसमें काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। वेजेस में काफी सारे किए गए हैं, एयर ड्रॉप में आपको काफी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कीबोर्ड में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको अलग अलग कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। सफारी में भी इनके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग किया गया है, म्यूजिक में, एयरप्ले में, एयरपॉड्स में। इसके अलावा यहाँ पे मैप्स में भी अपडेट्स किए गए हैं और यहाँ पे सीरी में भी किया गया है और हेल्थ में भी किया गया है, प्राइवेसी में भी किया गया है और काफी सारे यहाँ पे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 150 से ज्यादा भी अपडेट दिए गए हैं। सभी के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है। सबसे जो अच्छी फीचर्स जो मुझे लगी इसमें वो कॉन्टेक्ट जो हिस्ट्री है वो लगी है, सबसे काम की लगी है मुझे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अग्री कर देना है जो जो चीज बोलेगा। और अब क्या करना है, थोड़ा सा वेट हमें करना है। जो अपडेट्स था वो लगभग 3.0 GB का था, आपने देखा होगा अभी, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद फिर से यूज करेंगे कि इसमें क्या क्या अपडेट किए गए हैं और आपको सारी चीजें बताएंगे। लगभग 11 मिनट का समय लग रहा है, तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जब आपका अपडेट जो कि हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपका स्मार्टफोन कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, कम से कम 2-3 मिनट वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 17 और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको आगे करते रहना है, फिर वेलकम टू आईफोन आ जाएगा, स्वाइप अप टू गेट स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं ये अभी अपडेट हो चुका है, यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह आ गए। और अब देखते हैं कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो मैंने आपको पहला चीज बताया था, जो कॉन्टेक्ट या हिस्ट्री था, वो देखते हैं ज्यादा आया कि नहीं आया। तो यहाँ देख सकते हैं शेयर और नेम, फोटोज, योर फ्रेंड, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे आप जो आपकी आपका नाम होगा ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला चीज है, ऐसे आप देख सकते हैं ये सारी जो चीजें हैं नई आई है। तो ये देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे आप फोटो वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कंटिन्यू करते हैं और देख सकते हैं नाम ऐसे कुछ रख सकते हैं, ऐसे फोन आएगा तो। इसके अलावा कुछ फोटोज वगैरह भी लगा सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेमोज करते हैं और यहाँ पे आप जैसे कि ये आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे कुछ ऐड हो जाएगा, उस पर डन पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू कैसा कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फोन वगैरह आएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे मैंने जो पहला अपडेट बताया था कि जो हिस्ट्री है वो देखते हैं कि नीचे तक आया कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं इस समय जो हिस्ट्री है ये काफी नीचे तक आ गया है। तो इस फोन में जब से मैं यूज कर रहा हूँ तब का पूरा ये हिस्ट्री आ चुका है, पहले ज्यादा नहीं था, कुछ ही महीने का था। तो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला अपडेट तो ये देखने को मिल जा रहा है कि कॉन्टेक्ट का जो हिस्ट्री है वो ज्यादा हो गया है। इस क्लास में भी और भी काफी सारे अपडेट्स हुए, मैंने आपको बता दिए हैं। सफारी में भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे चीजें यहाँ पे चेंज कर दी गई हैं सफारी में भी। इसके अलावा जो फेस टाइमर है यहाँ पे भी काफी सारे चीजें यहाँ पे चेंज की गई हैं। तो फेस टाइम जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जब भी आप किसी को फेस टाइम पे बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है कि अगर आप थंब दिखाएंगे तो थंब का जो इंप्रेशन है वहां पे चला जाएगा, अगर आप हार्ट दिखाएंगे तो हार्ट चला जाएगा। जैसा आप करेंगे कुछ अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आईफोन 17 आप में भी आया है तो आप अपडेट जरूर कर लीजिए, काफी सारे आपको हिडन फीचर मिल जाएंगे जब आप यूज करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। इसके अलावा इसके कैमरा में भी एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कैमरा ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको लाइन दिखेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोन अगर टेढ़ा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन बनी होगी, सीधी लाइन शायद आपको दिख रही होगी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन बनी होगी। तो अगर आपका फोन एकदम सीधा है तो यहाँ पे बताएगा कि ये फोन सीधा है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन अब सीधा बन चुकी है फोन जब सीधा हो गई तो। और जैसे आप फोन थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं गायब हो चुकी है। और फोन को ऐसे आप जब सीधा करते हैं तो ये लाइन आपको दिखेगी, किसी का आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फोन आपका सीधा या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन बना हुआ है। तो ये भी कैमरा में आपको एक अपडेट देखने को मिल जा रहा है। और ऐसे काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अपडेट आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।